Plastic and cosmetic surgeon. I'm working as assistant professor of plastic surgery in services institute of medical sciences Lahore. आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने चाह रहे हैं वो है ईयर सर्जरी. सो ईयर सर्जरी में मोस्ट डिफिकल्ट सर्जरी वो है जिसमें कान कम्प्लीटली पैदाइशी तौर पर एक साइड का कान होता ही नहीं है, जिसको हम कहते हैं माइक्रोशिया. सो ये एक बीमारी है या एक कंजेनिटल प्रॉब्लम है जो कि पैदाइशी होता है और बच्चे का एक कान नॉर्मल है और एक कान है ही नहीं. सिमिलरली एक्सीडेंट के बाद भी कान का लॉस हो सकता है, तो इसकी सर्जरी को हम कहते हैं माइक्रोशिया सर्जरी या कंप्लीट ईयर रिकंस्ट्रक्शन. एक होता है कान बाहर की तरफ है, वो और है, उसको बैक ईयर बोलते हैं. वो सर्जरी इजी है और मोस्ट ऑफ द सर्जन्स कैन डू इट इन अ वेरी गुड वे. लेकिन कंप्लीट ईयर सर्जरी इज़ अ डिफिकल्ट टास्क और ये लंबी सर्जरी होती है. सो आज हम उसके बारे में आपको बताएंगे. सो कंप्लीट ईयर सर्जरी की दो टाइप्स हैं. एक हम कहते हैं कि आप अपनी ही बॉडी के टिश्यूज से बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं कि ऑटोलोगस ईयर रिकंस्ट्रक्शन, जिसका मतलब है कि आपने जो कान की शेप देनी है वो अपनी ही बॉडी से को पीस लेके, जैसे हम कार्टिलेज लेते हैं तो 3 से 4 पीस लेके कार्टिलेज की, उससे हम शेप बनाते हैं. इस सर्जरी का फ़ायदा क्या है, क्योंकि अपनी ही टिश्यू यूज़ हुए हैं तो इसका ये फ़ायदा कि ये इन्फेक्शन का रिस्क और चांसेस बहुत कम होते हैं. ये सर्जरी 8 से 10 घंटे की होती है और ये 2 स्टेजेस में होती है, लेकिन इसका रिजल्ट भी अच्छे हैं और स्किन का कलर मैच अच्छा है. आपकी कार्टिलेज चूँकि अपनी है तो इन्फेक्शन का रिस्क कम रहता है इसके अंदर एज कम्पेयर टू बाकी प्रोसीजर. और ये लाइफ लॉन्ग या लॉन्ग लास्टिंग सर्जरी है. ईयर की शेप में माइनर चेंजेस के अलावा कुछ खास चेंज नहीं आता. लेकिन ये सर्जरी 10 साल के बच्चों में परफॉर्म करते हैं, 8 से 10 साल, क्योंकि आपकी कार्टिलेज इतना साइज़ की अवेलेबल हो कि हम उससे पूरा कान नया बना सकें. सो अगर मैं आपको ब्रीफ बताऊं दोबारा, तो जो अपनी बॉडी से टिश्यू से लेके अपनी बॉडी की कार्टिलेज से बनाते हैं, इसको हम कहते हैं ऑटोलोगस ईयर रिकंस्ट्रक्शन, जो कि 2 स्टेज सर्जरी है, 8 से 10 साल की एज पे होती है और ओवरऑल 8 घंटे की सर्जरी है. पहली सर्जरी अगर आज हुई तो अगली सर्जरी यूजुअली 6 महीने के बाद करते हैं. परमानेंट है और इसका फ़ायदा ये कि इन्फेक्शन का रिस्क कम है, आपकी स्किन कलर मैच बहुत अच्छा है. दूसरी जो सर्जरी है उसमें हम अपनी कार्टिलेज के बजाय हम ऑलरेडी बना बनाया एक इम्प्लांट यूज़ करते हैं, जो मोस्ट कॉमनली सिलिकॉन या अब जो रिसेंट है वो है मेड पोर ईयर सर्जरी. तो मेड पोर ईयर सर्जरी का फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है. फ़ायदा ये है कि सिंगल सर्जरी है जिसमें एक ही स्टेज में पूरे के पूरे कान की शेप बना सकते हैं. नंबर 2, आपको अपनी बॉडी से कार्टिलेज नहीं लेनी पड़ती, तो चूंकि ये बना बना इम्प्लांट आता है उसकी शेप भी बेहतर है एज़ कम्पेयर टू जो हम बनाते हैं. एक नंबर 3 के चूंकि सिंगल स्टेज सर्जरी है तो इसलिए आपकी दूसरी सर्जरी से आपकी 6 मंथ तक वेट नहीं करना पड़ता, दूसरी सर्जरी तक आपकी कम्प्लीट शेप आ जाती है. कॉस्ट भी सेम है, लेकिन इसके 2 साइड इफेक्ट के 2 डिसएडवांटेज हैं. नंबर 1 कि इसमें इन्फेक्शन का चांस या बाहर निकलने का चांस, जिसको एक्सट्रूजन कहते हैं, ये ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अपनी कार्टिलेज, क्योंकि वो अपना टिश्यू होता है तो बॉडी उसको रिजेक्ट नहीं करती. लेकिन ये चूंकि बना बनाया टिश्यू है, कहीं और से लेते हैं, इसके अंदर चांसेस होते हैं कि आपका रिस्क ऑफ इन्फेक्शन या एक्सट्रूजन ज़्यादा है. नंबर 2 जो स्किन के कलर मैच है, चूँकि ये सिंगल ऑपरेशन है तो हम इसमें जो सर से टिश्यू लेके उससे इम्प्लांट को कवर करते हैं और ओपन स्किन ग्राफ लगाते हैं, जो कि बाजू से या उस अपोजिट कान से लेते हैं, तो कलर मैच में थोड़ा फ़र्क होता है. तो इस सर्जरी का फ़ायदा ये है कि आपकी सिंगल सर्जरी 8 से 9 घंटे की है और हड्डी नहीं लेनी पड़ती, आपका इम्प्लांट से काम हो जाता है. लेकिन साइड इफ़ेक्ट ये कि इसमें चांसेस ऑफ इन्फेक्शन या एक्सट्रूजन ज़्यादा है और स्किन कलर मैच का भी थोड़ा फ़र्क है. नंबर 3 कि इसका चूँकि शेप ज़रा उससे बेहतर है तो कुछ लोग इसको भी प्रेफर करते हैं. पहले दुनिया में ये इतनी पॉपुलर नहीं थी क्योंकि इसमें चांसेस ऑफ इन्फेक्शन या एक्सट्रूजन बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब जहाँ से मैंने ट्रेनिंग ली है, डॉक्टर रायनिश इज द नंबर 1 इन मेड पोर ईयर सर्जरी इन अमेरिका, वो उसका इन्फेक्शन का रेट जो है वो लेस देन 5% है. सो वाई दिस सर्जरी एट आवर क्लिनिक, बिकॉज आई हैव बीन ट्रेन्ड इन माइक्रोशिया सर्जरी. I got training from Japan. I have worked with Mr. Satoru Nagata, jinki abhi last year mein death hui hai. He is the world leader in autologous ear reconstruction surgery.
और जितने भी बड़े नाम हैं उन्होंने उन्हीं से ट्रेनिंग ली है, स्पेशली फर्मिन ने, ये ताइवान में जो डॉक्टर हैं उन्होंने उन्हीं से लर्न किया है। सो ही इज़ द बेस्ट इन, क्योंकि उन्हीं के नाम पे सर्जरी है, दिस इज कॉल्ड नगाटा ईयर सर्जरी। तो मैंने 2016-17 वहीं से ट्रेनिंग ली थी। नंबर टू जो मेडपुर ईयर सर्जरी है उसकी सबसे बेस्ट जो नाम है वो दुनिया में वो रैनिश है, डॉक्टर रैनिश, विच इज इन कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस। आई हैव बीन देयर लास्ट ईयर और आई गॉट ट्रेनिंग फॉर 2 वीक्स फॉर मेडपुर ईयर सर्जरी। सो देन वी हैव डन मैनी केसेस आफ्टर दैट, अल्हम्दुलिल्लाह आवर सक्सेस रेट आर गुड। सो यू कैन चूज एनी ऑप्शन डिपेंडिंग अपॉन योर ओन चॉइस। लास्ट एक है आर्टिफिशियल ईयर, जो पहले बताया था वो अपनी बॉडी से जिसे आर्टोलोगस बोलते हैं, और एक होता है प्रोस्थेटिक ईयर जिसमें आप बना बना यूज़ करते हैं, लेकिन ये दोनों टेक्निक में कान ओरिजिनल होते हैं तो इसलिए इनकी कॉस्ट भी ज़्यादा है, सर्जरी लंबी है। एक होता है आर्टिफिशियल ईयर विच मीन के बना बनाए कान आप बाहर से ले सकते हैं और आप यहाँ उसको अटैच कर सकते हैं, लेकिन वो आर्टिफिशियल होगा, आपको बार बार उतारना पड़ता है, महीने दो के बाद जो स्किन जहाँ पे वो ग्लू से अटैच करते हैं वो एरिया में थोड़े मैसिलेशन जख्म का निशान बन सकते हैं, वो भी एक सोल्यूशन है, लेकिन ये चूंकि नेचुरल है, परमानेंट है और लाइफ लॉन्ग है तो ये मच मोर सुपीरियर है एज कम्पेयर टू आर्टिफिशियल ईयर जिसमें थोड़ा कलर मिसमैच से पता चलता है साफ कि ये नकली कान है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।